चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 11। लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोग ने इलेक्ट्रिक थ्रस्ट के बारे में, डिफरेंट बॉडीज के अंदर हम लोग अलग अलग पोजीशन पर, हमने क्यूबिकल बॉडीज ली थी और क्या लिया था, एक हेमिस्फेरिकल बॉडी ली थी और उस पर हमने अलग अलग पॉइंट पर चार्ज को प्लेस करके देखा था कि टोटल फ्लक्स कितना होगा बॉडी के ऊपर। जैसे कि पहला जो आपका सिलेंडर था उसको हमने एक इलेक्ट्रिक रीजन के अंदर प्लेस कर दिया था, तो हमने पाया था कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, जीरो। हमने ये सीखा था कि इसमें तीन ही सर्फेस है, एक कर्व सर्फेस है, एक आपका लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड। तो हमने ये पाया था CSS जो आपका है कर्व सरफेस एरिया है उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना होता है जीरो, बिकॉज उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, ठीक है ना। उसके बाद हमने सीखा था कि दो ही थे जो इंगेज हो रहे थे, जो कि था आपका लेफ्ट साइड जिसमें आपका फ्लक्स इनपुट है और आपका राइट साइड वाले में फ्लक्स आउट था, और इनपुट वाले में एंगल 180 बना जिस वजह से नेगेटिव आ रहा था और आउटपुट में क्या था पॉजिटिव, और इसका टोटल करेंगे तो जीरो। दिस माना समझ में आया कि एक क्लोज बॉडी को अगर रिलेटिव फील्ड में पुट करेंगे तो उसके ऊपर टोटल फोर्स क्या होगा, हमेशा जीरो। हमने फिर से एक बार एक्टिविटी करी थी बाय यूजिंग अ हेमिस्फेरिकल जो सरफेस, ठीक, उसको हमने एक ओरिएंटेशन दिया था जिसमें उसका सर्कुलर जो सरफेस है वो उधर आपका फाई इन था और आपका कर्व वाले में फाई आउट, इधर भी आपका फाई टोटल कितना आया था जीरो। तो ये वेरीफाई हो गया था कि कोई भी क्लोज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस करोगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो आपको टोटल फ्लक्स क्या मिलेगा, हमेशा जीरो मिलेगा। कैसे करते हैं प्रूफ मैंने किया हुआ है, वीडियो आप देख लेना। फिर मैंने सेम एक्टिविटी की थी एक क्यूबिकल शेप के साथ, इस क्यूब को हमने प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमने फिर से सीखा कि सिर्फ दो सरफेस हैं जो कि इंगेज हो रहे हैं, दो फेसेस हैं जो कि लेफ्ट और राइट साइड हैं, बाकी सारे सरफेस के आपका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इस पे फ्लक्स क्या हो रहा है जीरो। तो अगेन फाई टोटल कितना आया था जीरो। फिर हमने क्या किया, हेमिस्फेरिकल सर जो आपका सरफेस है उसको उसका ओरिएंटेशन इस तरीके से किया कि CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया जो कर्व वाला पार्ट है सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगेज हो पर आपका सर्कुलर रीजन क्या हो वो एंगेज ना हो। तो उस केस में हमने ये पाया था कि अगेन टोटल फ्लक्स क्या है जीरो। तो ये चारों का कंक्लूजन क्या निकला था कि अगर कोई भी क्लोज बॉडी होगी उसको फील्ड में रखेंगे तो उस पूरी बॉडी के ऊपर टोटल फ्लक्स इनकेस हमेशा क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, अगर उस बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो, जैसा कि इस केस में हमने पढ़ा, ठीक। फिर नेक्स्ट हमने आगे पढ़ा कि अगर किसी भी एक हेमिस्फेरिकल शेप में अगर उसके सेंटर पे हमने एक चार्ज को प्लेस कर दिया तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, और उसके लिए कितनी आई थी क्यू बाई टू एप्साइलन नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग ने ये पूरा किया था, फिर हमने ये सीखा था कि कैसे ट्रिक बनाई थी, कैसे कि हमने कहा था कि यार इसको एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हम कंप्लीट कर सकते हैं, तो हमने पूरा एक हेमिस्फीयर को क्या बना दिया था, पूरा एक स्फीयर। तो पूरे स्फीयर में चार्ज कितना था क्यू, अगर क्यू पूरे स्फीयर को हाफ ऑफ कट करेंगे तो चार्ज का भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स हाफ हो जाएगा। तो उससे भी प्रूफ कर दिया था कि आंसर कितना आया था क्यू बाई टू एप्साइलन नॉट। समझ में आया कि नहीं इतना, ठीक, रिवीजन हो रहा है। फिर हमने ऐसे ही किया था एक सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के टॉप पे हमने क्या कर दिया, एक चार्ज के उसके सेंटर पर चार्ज को प्लेस कर दिया, तो फिर से प्रूफ करने के लिए हमने एक इमेजिनरी आइडेंटिकल सिलेंडर उसके ऊपर रख दिया, फिर एक पूरा नया सिलेंडर बन गया जिसका रेडियस तो सेम था लेकिन उसकी हाइट डबल हो गई थी, ठीक। तो इसको अगेन हमने जब कट किया क्योंकि ये सिमेट्रिकल था तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट निकालना आसान हो गया, राइट। इसको करने से क्या फायदा हुआ, कैलकुलेशन हमारी करनी कम हो गई और हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द गॉस लॉ। सिमिलरली हमने एक क्यूब लिया, क्यूब के एक फेस के सेंटर पर रख दिया, तो हमने एक और आपका इमेजिन आइडेंटिकल क्यूब यहाँ ड्रॉ किया, तो उसके हिसाब से एक नया क्यूब बन गया, एक आपका नया क्यूबॉइड बन गया, तो उसका हाफ चार्ज जो है आपके इमेजिनरी गॉसियन वाले क्यूब में आ रहा था और एक उसमें, तो उसके लिए हमने कर लिया, तो हमें आंसर क्या मिलेगा क्यू बाई टू। समझ में आ रहा है ना पक्का, चलिए। तो यहाँ से ये ट्रिक क्लियर होगी, जितने ज्यादा गॉसियन होंगे उतने ज्यादा आपके क्या होंगे, उतना डिविजन होगा चार्ज का, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हमने यहाँ पर 8 क्यूब बनाए तब जाके हमारा ये चार्ज क्या हुआ, सेंटर पे आ रहा था, इसका मतलब क्या हो रहा था, हर एक क्यूब में 1/8 ऑफ द चार्ज इंगेज हो रहा था, तो क्यू बाई 8 एप्साइलन नॉट बना। सिमिलरली यहाँ पे चार क्यूब लगे थे सेंटर में लाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा क्यू बाई 4 एप्साइलन नॉट। समझ में आ गया ना, चलिए वेरी गुड। और आज क्या पढ़ रहे हैं अपन, आज पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें पहला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, आज हम सीखेंगे, एक्चुअली मैंने आपको बताया था जब गॉस लॉ पढ़ाया था कि एक्चुअली गॉस लॉ का इस्तेमाल हम फ्लक्स के लिए नहीं करते हैं बल्कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ज्यादा करते हैं, ठीक। तो आज हम लोग पहली बार सीखेंगे कैसे ये होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर और शेल, तो मैंने ये आपको बोला, ये हेडिंग पहले समझ लेते हैं, यहाँ तीन अलग अलग बॉडीज लिखी हुई है, ठीक है। तो
व्हाट इज दिस, ये लिखा हुआ सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, जो आपका क्या हो, जैसे अर्थ एक सॉलिड है, उसके सेंटर से लेकर के आपके सरफेस तक हर जगह आपको मास मिलेगा। अगर मैंने कहा हॉलो, तो खोखला, एक कैनवस की बॉल आपने खेली हो बच्चन, जो दब जाती है, कैनवस वाली है ना, जो आपकी जुगनू कलर की आती है, पैरेट कलर की, राइट। तो अंदर से क्या होती है, खोखली होती है, उसका सिर्फ अपर का सरफेस होता है, राइट, उसको कहते हैं हॉलो स्फीयर। क्या कहते हैं, हॉलो स्फीयर। और एक होता है शेल, इसी हॉलो स्फीयर को शेल भी कहते हैं। शेल का मतलब ये होता है अंदर क्या होगा, खोखला, ठीक। अब यहाँ क्या बोला है, सॉलिड अगर है और कंडक्टिंग है, तो मेरी बात समझिए, सॉलिड होने के बाद भी चार्ज उस बॉडी के सरफेस पे ही लाई करेगा, क्योंकि कंडक्टिंग, जो भी कंडक्ट करता है आपका चार्ज, वो हमेशा सरफेस के ऊपर ही होता है, उसके अंदर चार्ज नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब जितने भी चार्ज होंगे, मतलब वो सॉलिड होकर भी किसी काम का नहीं है, उसके सिर्फ सरफेस पे ही चार्ज पाए जाएंगे। समझ में आया ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि अब हमें पता है कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसके सिर्फ सरफेस पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने मान लिया टोटल चार्ज कितना है, क्यू। हमने कितना मान लिया, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है, क्यू, ठीक। तो अब मैंने कहा कि अगर इस स्फीयर के कारण किसी एक ऐसे पॉइंट पर मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि उसके रेडियस से ज्यादा दूरी पर है। तो यहां से यहां तक क्या है भाई, ये रेडियस, राइट, ये रेडियस लिखा हुआ है, और पॉइंट P उसकी दूरी कितनी है यहां से यहां तक, ये आपकी स्मॉल r मान लिया, और ये आपका रेडियस यहां पर है, ये स्मॉल r है, माफ करना, इसको हटा दो, ठीक है। रेडियस कितना है, कैपिटल R, और डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, ठीक। तो अगर हमें फ्लक्स निकालना है, तो एक सेकंड में हम निकाल सकते हैं कैसे, हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लिया जिसका रेडियस हमने कितना लिया, जितनी दूरी थी उस पॉइंट P की। ये तो सिखाया था कि जिस पॉइंट पे निकालना होगा उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में गॉसियन सरफेस बनेगा हमेशा, और जैसी बॉडी होगी उसी बॉडी की तरह बनेगा। तो ये स्फेरिकल थी, तो हमने जो बनाया वो भी स्फेरिकल बनाया, अगर क्यूब होती तो हम भी क्यूब बनाते, पीछे सीखा था ना हम लोग ने, मेरी बात समझ रहे। तो अब इससे क्या होगा कि अब ये इनक्लोज इमेजिनरी सरफेस हो गया, जिसके अंदर हम लोग का लॉ कहता है, गॉस लॉ कहता है कि किसी भी पॉइंट जो कि गॉसियन सरफेस पे लाई करता है, उस पे जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट गॉसियन सरफेस। स्टेप वाइज ट्रांसलेशन बोला गया है स्टेटमेंट में कि ऐसा कोई भी पॉइंट जो कि गॉसियन सरफेस पर लाई करता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा वो 1/ε0 को गुणा कर दो टोटल चार्ज जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर पाया गया उससे। तो टोटल चार्ज कितना पाया जाएगा, अगर मैंने बोला टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, क्यू, तो मैं कह दूंगा कि भैया इस पॉइंट पर जो फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन। समझ में आया ना, ओके। तो हमने गॉस लॉ के हिसाब से मैं लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन, यहां ऐसे लिख लो, लेट क्यू इज द टोटल चार्ज एट कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। अब इतना अंडरस्टूड होता है इसलिए लिखते नहीं हम लोग, ठीक है, लिख दिया मैंने फिर भी आपके लिए, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्या होता है अभी बताओ, E डॉट, ये भी तो होता है ना, होता है ना। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। क्या जो एरिया वेक्टर होगा पॉइंट P का वो पैरेलल होगा, क्या वो पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, होगा कि नहीं होगा, नहीं याद आ रहा, मैं याद करवाता हूँ। देखो, याद रखिए, कोई भी पॉइंट चार्ज होता है या फिर स्फेरिकल चार्ज होता है, तो उसमें क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका जो रेडियस होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को वो इमिट करेगा कि नहीं करेगा, यही सिखाया था ना मैंने, इट विल इमिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बताओ, अलोंग द रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जो कनेक्टिंग लाइन है, क्या ये रेडियस वाली लाइन है कि नहीं, अरे सर बिल्कुल है, ये देखो ये रेडियस कैपिटल आर हो गया, है ना, हो गया कि नहीं हो गया, उसी लाइन पर तो लाई कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इस पूरे बॉडी करंट वो इसी से तो निकलेगी, है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगी किसके, अपने सरफेस के, और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, तो ऑटोमेटिकली दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो
तो आई कैन से ये ds और da दोनों सेम ही है, मैं कह सकता हूं, यहां लिख सकता हूं ds ये, ठीक है। मैंने एक काम किया, मैंने कहा इस पूरे गॉसियन का एक छोटा सरफेस लिया जिसका एरिया कितना था, da और a क्या था, टोटल एरिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब है व्हाट आई कैन से da इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा बताइए, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इट विल बी इक्वल टू क्या बताइए, ई बताइए डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू अपॉन, है ना। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो किसको करेंगे, एरिया इक्वल तो करेंगे, डी ए यहां है, सब पूरा चाहिए, तो हम हर जगह पर सबको इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या मिल जाएगा हमें, स्फीयर जो कितना होता है, टोटल कितना होता है बेटा, क्या बेटा, अच्छा और क्या होता है, 4 पाई आर। चलिए ये भी ठीक है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, याद कर लो यार, ये सब 19th की चीजें हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि एंगल कितना होगा पैरेलल में, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब इसको खोलने का टाइम आ गया है ना, एक लाइन का डेरिवेशन है, तो क्या हो जाएगा बताइए भाई, ई और इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, डी ए कॉस 0। अरे ई डी ए कॉस 0 लिखेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रल पहले ही कर लिया हमने, ठीक है, और डी ए कहां से कहां तक होगा, 0 से 4 पाई, बताओ यही तो होगा, गॉसियन सरफेस का ही तो एरिया लेंगे कि नहीं लेंगे, दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, अब बताते हैं तुम्हें। तो देखो यहां से क्या किया हम लोग ने, वैल्यू पुट कर दी, टोटल एरिया कितना है, डीए कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1, ठीक है, तो कॉस 0 गायब हो जाएगा, और डीए क्या है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल एरिया। अब गॉसियन सरफेस का अगर हम ये निकालेंगे तो एक स्फेरिकल सरफेस है, उसका टोटल एरिया होगा 4 पाई इनटू जो रेडियस है, तो डिस्टेंस कितनी है यहां से सेंटर से, स्मॉल r, तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, स्मॉल r, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो डीए को इंटीग्रेशन, और डीए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन, समेशन जब करेंगे डीए प्लस डीए करेंगे, कब तक करेंगे, जब टोटल एरिया ना मिल जाए, यहां पे एरो बना के लिखा होगा, तो ये हो जाएगा e into 4 by r square is equal to total charge upon epsilon naught। अब जो पूछा गया था क्वेश्चन में, क्या पूछा गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो देखो कैसे पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया है इज इक्वल टू q अपॉन epsilon naught, तो अगर हम e निकालना चाहते हैं तो we will cross multiply, तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा हमारा, फॉर्मूला विल बी, कहां लिखते हैं, वहां लिखते हैं कॉर्नर में, ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला विल बी, वैसे ये भी एक फॉर्मूला ही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, k क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, तो ये हमने पहले ही पढ़ा है, इसको हमने प्रूफ कर दिया कि ये ऐसे ही आएगा, समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ। नेक्स्ट, अगर मैं बोला फॉर अ पॉइंट ऑन द सरफेस, अब समझने आपको हेडिंग सीखना शुरू करना है, कह रहे हैं कि आप ये फिगर है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलती डालता है हमेशा इसमें, क्या कह रही है, हेडिंग कह रही है कि अगर हमारा जो पॉइंट है वो कहां पर है, वो सरफेस पे लाई करता है, तो सबसे पहले हम अपना स्फीयर बनाएंगे जिस पे चार्ज है, ये कलर दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ठीक है, इसका एक सेंटर है, इसका एक रेडियस हो गया कैपिटल आर, ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी टोटल वैल्यू कितनी मानी है मैंने, क्यू, है ना, क्या है इस पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू, हेडिंग के हिसाब से जो पॉइंट लाई कर रहा है वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, वो पॉइंट हमारा सरफेस पे लाई कर रहा है, तो मैंने ले लिया ये पॉइंट है, है ना, ये पॉइंट पी है जिस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने कहा कि भाई इसका हमने जो सरफेस ले लिया एरिया वो कितना ले लिया, डीए, तो ये डीए वेक्टर हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो भी क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड ही निकलेगी, इसका मतलब इस केस में भी क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू
एरिया वेक्टर एट एवरी पॉइंट, क्योंकि हर जगह रेडियली आउटवर्ड, हर जगह देखो ना इधर भी इधर निकल रही है, यहाँ का एरिया वेक्टर भी इधर होगा, मैं ये भी सिखा देता हूँ। फिर मैंने कहा इधर भी इधर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर भी, समझ में आया? तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा स्फीयर पे जहां पर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के पैरेलल ना हो, समझ में आ गया? तो हमेशा पैरेलल बने रहेंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप बना करके देख लिया करो, ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर हमें निकालना है तो यहाँ जो दूरी हो जाएगी पॉइंट की वो कितनी हो जाएगी आर। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फिर से करें अगर हम लोग सॉल्व, ठीक, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अभी सिखाया था क्या जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन, ठीक, इक्वेशन नंबर वन। फिर से क्या होता है ये क्लोज इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए, एंगल कितना है, सिंस द एंगल इज जीरो है ना, हम क्या कह सकते हैं भाई बताइए, ई डी ए कॉस जीरो क्लोज इंटीग्रल, ठीक, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गलत है क्या, नहीं। आप ये बताइए कि जो टोटल एरिया होगा इस बार रेडियस कितना है, टी एस सी इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू फोर पाई, गलत किया क्या मैंने, इस बार देखो लगेगा कि दोनों सेम है लेकिन आर की वैल्यू बदल गई क्योंकि दूरी पॉइंट की बदल गई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका बताइए, cos 0 इज इक्वल टू व्हाट, 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डीए, तो ई बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या हो जाएगा आपका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन, तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई कैपिटल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, समझ में आया कि नहीं आया? अब जो आखिरी केस है वो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी तो आसान है। इसमें भी सारे के सारे चार्ज कहाँ थे, सरफेस पे थे, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अगर सरफेस पे ना हो तो जहां चार्ज ही नहीं होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं होगी, समझ में आया? तो देखो नेक्स्ट केस है जब हमारा वो पॉइंट ही कहाँ लाई करता है, इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, ये हो गया रेडियस, ठीक। इस पर टोटल चार्ज मैंने बार बोला है कि चार्ज कहां पर है, सरफेस पे है, ठीक है। अब मैंने कहा जो मेरा पॉइंट लाई करता है वो पॉइंट कहीं ऐसी पोजीशन पर है जिसकी दूरी कितनी है स्मॉल r, और स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल r, तो गॉसियन सरफेस जो बनेगा वो तो पॉइंट पे ही बनता है, सही है क्या, सही बनाया। अब जो नियम है वो गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्ज होंगे उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा, लेकिन क्या इस बिंदु का जो एरिया वेक्टर तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब होगी ना जब चार्ज होगा, जब आवेशी नहीं है तो कभी भी वैद्युत क्षेत्र होगा क्या, नहीं होगा ना, आप खुद देखो ना इसके अंदर कोई चार्ज है, चार्ज तो बाहर बैठा है कहीं, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई इनसाइड इज जीरो एज क्यू इज चार्ज इज जीरो, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा जीरो, और फ्लक्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही जीरो हो रहा है। मैंने बड़े क्लियरली शब्दों में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज क्या है, चार्ज। मैंने ये नहीं बोला कि फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि मैंने लिखवाया था स्टेटमेंट, हाँ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, अगर फ्लक्स के बेसिस पे देखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था आयुषी से, बुद्धि में आया कुछ, चले आगे बढ़े, पीछे नोट करना है, चलिए ठीक है नेक्स्ट। अब मैंने क्या बोला आपसे, ये कहाँ गायब हो गया, सही नहीं कह, अच्छा वो एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं उनको लगा इतना पढ़ाएंगे, जरूरत ही नहीं। इलेक्ट्रिक ये देखो हमने सिखाया ना पहले, नॉन कंडक्टिंग सिखाया मैंने, नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो थ्रू आउट द बॉडी होगा, ठीक है, तो बॉडी के हर जगह पर चार्ज पाया
जाएगा, जिससे कि इनसाइड वाला जो केस है हाँ अब उसमें फील्ड लाइन भी आ जाएंगी। लेकिन अभी इसमें कैच है, वो क्या कैच हो सकता है कि जब हमारा जो जैसे वॉल्यूम का जैसे अभी ये देखो इनसाइड वाला केस बना दी, मतलब अलग ही सिस्टम है ठीक। ये इनसाइड वाला केस है ठीक। इनसाइड वाले केस में क्या होता है, अब जितना वॉल्यूम इसके अंदर ऑक्यूपाई करेगा उतने ही तो चार्ज ऑक्यूपाई कर पाएगा, तो टोटल चार्ज लेकर के हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम सरफेस पे रहेंगे तो सारे के सारे चार्ज आ जाएंगे, बाहर रहेंगे तब भी सारे चार्ज आ जाएंगे, लेकिन जब अंदर चले जाएंगे तो जितने चार्ज हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर रहेंगे उतने ही तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे कि बाहर वाला कर देगा। अंदर वाला गॉस का नियम कहता है कि जितने आपके गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होंगे उसके ही सिर्फ आप चार्ज को काउंट कर सकते हो, है ना। ओके तो यही एक कैच है, बाकी तो क्लियर है। तो अभी अपन इस फिगर को रीड्रॉ करेंगे, ये इनसाइड वाला फिगर बना है क्योंकि अभी मैं इसके लिखूंगा सेम और इसमें भी जो आंसर है वो क्यों पढ़ना है, क्यों बुद्धि लगानी, पढ़ तो लिया अब मैं प्रूफ कर देता हूँ ऐसा नहीं भाग जाएंगे। फिगर इसके लिए मैं, ये फिगर इसका नहीं है ठीक है, ये फिगर भी इसका नहीं है, ये फिगर इसका है ठीक है। चलिए देखिए तो क्या है, पूरी बॉडी है तो हर जगह चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट तो क्या करना है ना ठीक बेटा। अब मैंने कहा ये है पॉइंट सेंटर, सेंटर से मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक ऐसा बिंदु जो कि स्मॉल r दूरी पर है और स्मॉल r की वैल्यू रेडियस रेडियस से ज्यादा है ठीक है। तो यहां पर फिर से क्या करेंगे, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना। अब मुझे ये बताओ चाहे सरफेस पे चार्ज रहे चाहे पूरी बॉडी पे चार्ज रहे, टोटल चार्ज तो क्यू ही रहेगा ना, कि ज्यादा हो जाएगा क्यों ही रहेगा ना। फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ई डी ए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अब सीख गए हो ना कि ई डी ए क्यों लिख दिया, कॉस जीरो क्या लिखे है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन, यही तो सीखा था। फिर से करेंगे गॉसियन का जो आएगा 4 पाई स्मॉलर स्क्वायर आएगा, सारे फॉर्मूले सेम आएंगे कि नहीं आएंगे। इस वाले केस में क्या होगा, अब मैंने कहा कि ये हो गया मेरा सॉलिड, मैंने कहा फिर से हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है। अब मैंने कहा लेकिन जो मेरा बिंदु है वो रेडियस वाली दूरी पर ही रखा हुआ है, कोई दिक्कत, तो बेचारे इस पॉइंट के लिए सारे चार्ज हैं कि नहीं है, इसके पीछे गॉसियन सरफेस जो वो ओवरलैप करेगा इसी बॉडी में, दो बार तो बना नहीं सकते, चलो बना देते हैं तुम्हारे, यही तो है ना तुम्हारा, क्या गॉसियन सरफेस के अंदर सारे चार्ज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर से वही रिपीट करेंगे, आंसर फिर से मिलेगा, क्या मिलेगा, E is equal to Q upon 4 pi capital R square into जो पीछे जस्ट किया हुआ है, समझ में आया। तो इस केस में भी आंसर सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इस केस में आंसर सेम ठीक है। ये कौन सा डायग्राम है, ये इनसाइड का केस है, हमारा जो टोटल चार्ज है देखो कुछ चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर चले गए और कुछ ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, तो हम लोग यहाँ से सीखेंगे फिर से क्या करेंगे, अब इस बार डेंसिटी वाले केस में जाएंगे और फिर से हम लोग निकालेंगे कि कैसे हम चार्ज को वैल्यू निकालें ठीक है। तो क्यू इनसाइड हमें निकालना पड़ेगा, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आप अगर कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मैं आपको एक चीज सिखाया था, मैंने कहा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटे, ठीक है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³, बहुत बढ़िया ठीक। तो अगर हम अपने गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम निकालें तो कितना आएगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr², गलत है क्या, नहीं ना सही है ना, अरे छोटू सा हमारा स्फीयर इसका रेडियस कितना हो जाएगा, जितनी दूरी पर है सेंटर से, तो मेरा जो दूरी है वो रेडियस से भी छोटा है मेरे बॉडी के, तो मेरे लिए तो यही वाला हो जाएगा ना गॉसियन सरफेस। समझो वापस से, जितना डॉटेड लाइन के अंदर का वॉल्यूम होगा सिर्फ वही मेरे काम का है कि बाहर वाला भी काम का है, अंदर वाला काम का है ना, तो अपना जो वॉल्यूम होगा वो तो इफेक्टिव वॉल्यूम तो यही होगा ना जिसमें चार्ज होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा जी अब सुनिए ध्यान से, मैं कैसे कहता हूँ, अगर अपने को चार्ज पता है तो हम कह सकते हैं चार्ज इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सही ना भाई, डेंसिटी क्या हमेशा कांस्टेंट रहती है चाहे कितना भी वॉल्यूम हो, है ना। तो मैंने कहा कि अगर मुझे छोटा चार्ज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जितना भी चार्ज चाहिए वो वॉल्यूम छोटा वाला वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूंगा,
कितना आसान था यार, क्या हो जाएगा, निकल गया। जो भी चार्ज है मैंने डी क्यू मान लिया, आप क्यू स्मॉल क्यू मान लो, तो स्मॉल क्यू चार्ज हमने क्या, हमने कह दिया कि जो इसमें चार्ज है उसको मैंने बोल दिया यहाँ जो चार्ज है इसकी वैल्यू हमने कितनी मान ली स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी इस फॉर्मूले की मदद से, डेंसिटी, डेंसिटी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है इंटू जितना वॉल्यूम चाहिए। हमारा वॉल्यूम कितना है, चार्ज हमने ऐसे निकाल दिया, आया कि नहीं आया, अपन कर सकते कि नहीं कर सकते सॉल्व, करके दिखाओ तो माने। तो इसका मतलब है अगर आपने चार्ज सीख लिया तो फिर से अकॉर्डिंग टू लिखोगे पूरा पूरा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यही तो लिखोगे ना, ये अलग कर लो, ये आपका रिवीजन, ये बताने की चीज नहीं होती भाई, ये रिवीजन है, ये तो पता होना चाहिए। पहले जब मैंने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्टरबेंस पढ़ाया था तो मैंने कहा था ऐसी कोई बॉडी जिसके अंदर आयतन हो, ऐसी कोई बॉडी जिसके अंदर वॉल्यूम हो, है ना, जैसे एनी बॉडी हु इज कंसिस्टिंग ऑफ सम वॉल्यूम, है ना, उस केस में द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सेड एज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, एंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द बॉडी विल बी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। मैंने कहा था कि जो टोटल आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा वो टोटल जो चार्ज होगा आवेश होगा अपन टोटल आयतन, यही तो है ना। तो हमने टोटल के लिए सॉल्व किया तो क्या आया भैया 4/3 pi, जो अब हमारी बॉडी का जो त्रिज्या था, रेडियस था, वो कितना था, कैपिटल R, तो हमने लिख दिया। लेकिन हमने ये भी सिखाया था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और एनी चार्ज डेंसिटी रिमेन्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट, मैंने कहा वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, चाहे हम पूरी बॉडी ले लें चाहे छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल दें, क्योंकि चार्ज हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे आपके, वो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, पॉजिटिव और निगेटिव के हिसाब से। तो जितने भी टोटल चार्ज होते हैं वो एन मल्टीपल एन के गुणनफल में होते हैं, क्या, स्मॉलेस्ट चार्ज के फॉर्म में, है ना। तो किसी भी जगह पर अगर आप डेंसिटी चेक करोगे तो डेंसिटी तो सेम आएगी। तो मैंने कहा मेरे केस में जो मेरा वॉल्यूम है वो तो सिर्फ गॉस के नियम के हिसाब से जहां पर भी हम खड़े रहेंगे वहीं से हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, उसके अंदर जो भी चाहे, अगर हम सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस एरिया, और वॉल्यूम की बात करेंगे उसके अंदर आने वाला वॉल्यूम पर जो चार्ज होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी डेंसिटी तो सेम रहेगी, हाँ ये बात ठीक है। तो हमारे पास चार्ज नहीं पता था, हमने मान लिया कि क्यू चार्ज रहा होगा, उसकी वैल्यू निकालनी थी, तो हमने कहा डेंसिटी बराबर चार्ज बटे वॉल्यूम, तो इसका मतलब है चार्ज बराबर डेंसिटी गुणे वॉल्यूम। इसका मतलब है कि डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दे जितना वॉल्यूम हमारा है तो हमें चार्ज मिल जाएगा। हमने चार्ज निकाल लिया, फिर गॉस लॉ के हिसाब से चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो हमने फिर से गॉस लॉ लिखा, हमने कहा क्या हो जाएगा भैया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, बताओ ना, ये सामने लिखा हुआ है। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, रो इंटू 4/3 pi r³ / q/ गलत कर दिया क्या कुछ, सही है, यही तो आएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये हमारा, इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, यही फ्लक्स बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds लिया है, dA लिखा, ds लिया है, और इसका क्लोज इंटीग्रल है ना, और एंगल के हमेशा स्फेरिकल बॉडी में dE इलेक्ट्रिक फील्ड और ds क्या होता है, पर पैरेलल होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू ईच अदर। तो यहां से क्या जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आर रिप्रेजेंटिंग द सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैं कह सकता हूं E ds cos, ds पे मैं क्या लगा दूंगा, इंटीग्रेशन cos 0 इज इक्वल टू रो इनटू 4 pi r³/3 ε0। कुछ गलत किया क्या, तो हमें पता है कि ds कितना होगा हमारा, बताइए 4, बताओ ना, यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, करो जो भी करना है, क्या हो जाएगा
फोर पाई आर स्क्वायर होगा ना वॉल्यूम, अभी तो बताया था सी एस ए ऑफ स्फीयर, अब हम यहाँ वॉल्यूम थोड़ा लेते हैं, सरफेस एरिया की बात हो रही है ना, क्या होगा फोर पाई आर स्क्वायर, तो जाएगा ई इंटू फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू रो इंटू फोर पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन थ्री एप्साइलन नॉट। गलत किया कुछ, देखो 4 पाई आर स्क्वायर को काट देंगे 4 पाई से, और यहाँ एक बचेगा आर, क्योंकि वहाँ आर स्क्वायर था, आर क्यूब था, एक एक्स्ट्रा था ना, क्यूब मतलब तीन बार आर था और स्क्वायर मतलब दो बार आर था, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दो बार कट जाएगा, बचेगा एक बार, 4 पाई कट जाएगा, ठीक वेरी गुड। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आ गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। लो भैया एक फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन नहीं सर हमको डेंसिटी के टर्म में नहीं चाहिए, हमें चार्ज के फॉर्म में चाहिए, है ना। अब आप लड़ने लगे, हमने कहा भैया समझा दो इनको, कहीं कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या है भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम तो पता ही है ना 4 बाई 3 पाई आर पाई कैपिटल आर क्यूब, लाके पुट कर दो, अब वो ला करके यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ चार्ज, समझ में आया। तो इसका अनदर फॉर्म क्या हो सकता है, क्या मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा फिर से डेंसिटी, डेंसिटी का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब मैं ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 3 बना करके पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका q। अब यहाँ क्या है देखो, q और न्यूमरेटर में एक और चीज है स्मॉल r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लो, और क्या आ रहा है ऊपर से बताओ 4 पाई कैपिटल r q, गलत है क्या, क्या हो गया, ठीक है ये भी एक फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, डन चलिए। तो ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा, देखो इसको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r अपॉन 3, यही है ना, अरे ये 4 बाई 3 था, ये 4 बाई 3 था, 3 ऊपर आएगा, 3 कट जाएगा, यहाँ पर भी 4 बाई 3 था, 3 ऊपर चला आएगा ना, तो 3 कट जाएगा, और ये मेरे को 4 बाई r क्यूब कहाँ से हो गया, 4 बाई 3 होगा, ठीक है, अब भी परफेक्ट है, 1 अपॉन 4 बाई r क्यूब स्मॉल r अपॉन कैपिटल r क्यूब, ठीक, ये हो गया फॉर्मूला परफेक्ट। यहाँ देखो 4 बाई 3 लिखना भूल गए थे हम, ठीक है, ये हमने 4 बाई r क्यूब लिख दिया, इरेज करके वापस से कर देता हूँ, ऊपर लिखा भी वॉल्यूम है, बोला बोला सब कुछ सही है, लेकिन लिखा गलत है, आप चाहो तो यहाँ से 3 काट दो, तो वहां नहीं लिखना पड़ेगा, तो इसको आप आराम से मिटा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने पॉसिबल फॉर्म है सब बता दिए, ठीक है, ठीक है, ओके नेक्स्ट पढ़े, ठीक है आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, देखो जरा इसको ठीक कर दें, ये वैसे भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये हम लोग अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक, ये आपका होमवर्क भी आप ट्राई कर सकते हो, मैं अभी समझा देता हूँ कैसे, ठीक है, बहुत सिंपल है, एक वायर ले लिया लीनियर चार्ज का, अब देखो यही है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है याद होना चाहिए, लैम्डा होता है, लैम्डा का टोटल चार्ज को अगर एक वायर की जो है एल लेंथ पर हमने, जैसे ये हो गया जो माइक हमने पहन रखा है ना, ये एक पतला सा वायर है, इसका कोई एरिया नहीं है, बहुत थिन है, तो इसके ऊपर चार्ज अगर छोड़ेंगे तो इस पूरी लेंथ पे ही तो बटेगा, तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन को तो कहते हैं, तो लैम्डा क्या होता है, ये जो डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो स्मॉलेस्ट जगह पर कितना चार्ज डेंसिटी होगा वो बता दिया इसने, समझ में आया। तो इसका मतलब है अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ तो एल लेंथ बोल रहे हो, ये तो इनफाइनाइटली बोला, मैंने कहा एल तक तो सॉल्व कर ले, बाकी सब कह देंगे ऐसे ही कॉपी पेस्ट है, तो हमने क्या कर दिया, एक इमेजिनरी गॉस
गॉसियन सरफेस ले लिया, जो कि क्या पॉसिबल हो सकता था, मैंने कहा सिलेंडर सबसे बेस्ट है, सिलेंडर सबसे बेस्ट है। तो मैंने कहा कि एक चीज मुझे बताओ, इस वायर के कारण किसी पॉइंट भी, जो कि इस वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने पर है, स्मॉल r, इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो मेरा सिलेंडर पे रखा हुआ है। हम तुम कहोगे नहीं, मैं कहूंगा हाँ, मैं कहूंगा लो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, एक ही तो कंडीशन सिखाई थी मैंने, क्या कर दो वो पॉइंट को गॉसियन सरफेस पर लेकर के आओ, है कि नहीं। और बाद में अपन लिमिट चेंज कर देंगे, मैंने कहा एल लेंथ के लिए पहले कर लेंगे, और सर ने पढ़ाया हुआ है चाहे कितनी भी लेंथ हो, टोटल चार्ज को डिवाइड करो उतनी लेंथ से, चाहे इनफाइनाइट लेंथ हो क्या फर्क पड़ता है, डेंसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो मैं चाहूं तो छोटे पोर्शन के लिए सॉल्व करके उसको जोड़ सकता हूं इनफाइनाइट तक, ये तो बात सच है ना। तो इसका मतलब है कि आप देखो जरा, ये बन गया कि नहीं बन गया एक गॉसियन सरफेस, कैसा गॉसियन सरफेस है, सिलेंड्रिकल है ना। तो फिर से वही पुराना नियम, क्या करेंगे अपन, दो इक्वेशन बनाएंगे, एक क्यू अपॉन एप्सिलॉन लाइट हो गया है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, और एक आपका ई डॉट डीएल है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि डीएस होगा, डीएस बोल रही पीछे, अरे कभी एरिया हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है ना, वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इमेजिनरी सरफेस एरिया तो बनाया हमने ताकि हमें सरफेस एरिया मिल जाए, समझ में आया कि नहीं आया, तो उसमें मत आप कंफ्यूज हो। तो इसमें मैं आपको कराऊंगा, अभी के लिए आपको मैंने होमवर्क के लिए बता दिया कैसे इसको अप्रोच करेंगे। ये हो गया पॉइंट पी जिस पर निकालना है, एक इक्वेशन ये बनेगा और एक इक्वेशन आपका, ठीक है। अब जो बुद्धि लगा लेगा वो कर लेगा, क्यों निकालने के लिए आपको ही पता है क्या करेंगे, ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए नहीं आ रहा है तो अगली क्लास में हम इसको करके आपको दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।